मेरे पिंपल पे, ये फाउंडेशन मेरे पिंपल पे मेरे पिंपल को हाइड कर पाता है या नहीं, फुल्ली कवरेज कर पाता है या नहीं, आप लोग जज करिएगा। और जैसा भी होगा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो किस तरह से है। तो फेस मैंने पूरी तरीके से अपना फेस वॉश करके मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया है, जैसा आप लोग के सामने ये दिख रहा है, बिल्कुल फेस मेरा जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही है। चलिए हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ले लेती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं फाउंडेशन को इसके ऊपर ड्रॉप कर देती हूँ। सबना सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं ऐसे ड्रॉप करके मैं लगाऊँगी, आप देखना। मेरे यहाँ पे भी पिंपल स्टार्ट हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों मुझे इतनी पिंपल हो रही है। पीछे मेरी बच्ची सो रही है, तो प्लीज़ डोंट, प्लीज़ इग्नोर। मैं एक्चुअली ज़्यादा मेकअप मैं अप्लाई करना पसंद नहीं करती हूँ, लाइक आई शेडो, लाइक कॉन्टोरिंग, ये सब मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। शौक है मेकअप का बट मुझे पसंद नहीं है, आई रियली डोंट नो। तो आप देखो, सी द डिफरेंस इसमें और इसमें, एक टोन लाइट है, ओनली वन टोन। और ये जो मेरे गले का जो मेरा एरिया है, मतलब गले का जो टोन है, वो बिल्कुल इस टोन से मैच खा रहा है। चलिए अब इधर देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं अपने हेयर को क्लच कर लूँ। कैन यू सी द डिफरेंस? नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पोर्स जो है, मेरे पोर्स में ही कमी है, इसलिए मैंने इस पे अप्लाई किया है फाउंडेशन। मुझे आप लोग बताना कि ये फाउंडेशन की गलती है या मेरे पिंपल्स की गलती है। एक बार मैं एक बार और अप्लाई करती हूँ। ये लिया मैंने, इट्स नॉट हाइडिंग, कलर इसकी चेंज हो जा रही है, बट ये हाइड अगर मैं कहूँ ना, तो ये हाइड नहीं हो पा रही है, ये उभर के आ रहा है पूरे फेस पे। एंड आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा मेरे फेस की डिफरेंस।
अब आप लोग मुझे बताना, अब आप लोग मुझे बताना कि इस फाउंडेशन की गलती है, इस फाउंडेशन की गलती है या मेरे पिंपल की गलती है। मुझे लगता है कि फाउंडेशन जो है अपना अच्छे से वर्क कर लिया है मेबलिन फिट मी, जैसा ये कहता है, जैसा ये कहता है मेबलिन फिट मी। तो अब अगर आप, अगर मेरी पिंपल ज़्यादा बड़ी है तो हम इसे कैसे छिपा पाएंगे, हम नहीं छिपा पाएंगे। हाँ, शायद ब्यूटी पार्लर में अगर आप जाएं तो आपकी जो है पिंपल हाइड हो जाए अच्छे तरीके से, उसकी कलर चेंज हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर पिंपल उभर के आपके स्किन पे आई है, और कोई ऐसा ब्यूटी पार्लर नहीं होगा जो इस पिंपल, उभरे हुए पिंपल को छिपा दे या अंदर कर दे, तो आई रियली डोंट नो कि ऐसा कोई ब्यूटी पार्लर होगा या कोई ऐसा मेकअप का इक्विपमेंट होगा या कोई ऐसा फाउंडेशन होगा जो ऐसा काम कर सकता है। अगर कर सकता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।